सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सम मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? हमारे ऑप्शन है सरदार पटेल, महल नोबिस, दादा भाई नौरोजी, वी के आर वी राव। तो हमारा राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? हमारे ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? हमारे ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनवा, यूरुगे। हमारा ऑप्शन डी है दोहा। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें जेनवा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? हमारे ऑप्शन है वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारे इसमें राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? हमारे ऑप्शन है होंगे नक्कल प्रताप, शिमला प्रताप, जोग प्रताप, कोटालम प्रताप। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, जोग प्रताप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल। हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान एवं चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, बच्चों को भी आता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हमारे ऑप्शन है नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती? हमारा ऑप्शन आयन मंडल, बहिर्मंडल, सममंडल, समताप मंडल। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा समताप मंडल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसमें अपने ऑप्शन है अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किस से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा डेसिबल शब्द है ध्वनि से संबंधित, आप देख पा रहे हैं डेसिबल ध्वनि से ही संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अंग महाजनपद की राजधानी थी वो थी दोस्तों चंपा। हमारा राइट आंसर होगा डी, चंपा। सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो हमारे ऑप्शन है चक्रवात,
जलवामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप। हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, समुद्री सतह पर भूकंप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु। हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों लखनऊ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महबूब उल हक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? हमारे ऑप्शन ISI हरित उत्पाद, एक मार्क पारिस्थितिकी उत्पाद। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक मार्क। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? हमारे ऑप्शन 1947, 1948, 1950, 1951। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा 1948। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, AF बार्टिन, SA वैक्सीमैन, रोल्डन। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बार्टिंग, एफ बार्टिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कोलबस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें हमारे ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, जीवाणु, वायरस, शैवाल। हमारा राइट आंसर होगा फफूंद, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का स्तोत्र क्या है? तो हमारे ऑप्शन है पिता से, अग्नि से, पित्तवाहिनी, यर्क। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यर्क, लीवर, ऑप्शन डी, लीवर, यकृत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप पात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेप पात्र है? हमारे ऑप्शन है त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस, पागरिका। इसमें अपना राइट आंसर होगा ए, त्रिशूल। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? ऑप्शन ए फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, नेपाल। तो अपना इसमें राइट आंसर होगा नेपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? हमारे ऑप्शन है सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा अपना डी, यंग इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो अपने गांधी जी के क्या थे, गुरु। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अपने ऑप्शन जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त, राजगुरु। तो अपना राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी, राजगुरु को। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? अपने ऑप्शन आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, लाहौर। तो अपना इसमें राइट आंसर होगा आगरा, जो कि मोती मस्जिद अपने आगरा में ही पड़ती है। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है या फिर कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन है मांस, पीला योक, घी, ताजी सब्जियां। तो इनमें से ताजी सब्जियां
हमारा विटामिन ए का अच्छा स्रोत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो अपने दोस्तों, ये पोनिसिलिन है ना, ये ऑप्शन है अपने फुफुंद शैवाल वायरस जीवाणु, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, फुफुंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में कुल हड्डियाँ 206 होती है। पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत आपको पता है, लीवर है, यकृत, यकृत। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो अपना राइट आंसर होगा विटामिन डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह भी लीवर ही है। ऐसा मान लो क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यह भी लीवर ही होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत। ओके, और सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो यही होती है यकृत। वाहनों के अग्रदीपों मतलब हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो अपने ऑप्शन है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, पर्वतलीय दर्पण। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पर्वतलीय दर्पण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो अपना इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों 36,000 किमी। ये अपना राइट आंसर होगा, अपना राइट आंसर है ऑप्शन ए, 36,000 किमी। किस बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको देखिए। किस बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? अपना ऑप्शन है, तांबा, निक्रोम, जस्ता, टंगस्टन। तो अपना ऑप्शन राइट ऑप्शन है बी, निक्रोम। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। तो अपना राइट आंसर होगा बुध, ऑप्शन बी, बुध। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसमें अपना राइट आंसर होगा यस्तीकरण, ऑप्शन डी, यस्तीकरण। अपना इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो अपने ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन ए, त्रिशूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें से दोस्तों अपना ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टेट्रा एथिल सीसा। अपना राइट आंसर होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। तो इसमें राइट आंसर होगा फुटबॉल, अपना ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, फुटबॉल। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस देश की उपज है? हमारे ऑप्शन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान। अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? हमारे ऑप्शन है, बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, निर्वात ट्यूब,
तो अपना इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात ट्यूब। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो अपने ऑप्शन है सीपीयू चिप, फ्लॉपी डिस्क और डिस्क स्मृति चिप। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मृति चिप। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? अपने ऑप्शन इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी, लियोनार्डो द विंसी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन है, कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? तो इसमें बुला चौधरी अपना राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुला चौधरी।